जया बच्चन की एक आदत पर बेटी श्वेता बच्चन को आता था हद से ज्यादा गुस्सा। तो वही बेटी के बालों को लेकर जया और अमिताभ बच्चन के बीच होता था घर में घमासान। जी हाँ, बच्चन फैमिली के बीच प्यार और लगाव के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे। जया बच्चन और उनकी बेटी श्वेता बच्चन की गहरी बॉन्डिंग भी अक्सर देखने को मिल ही जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब श्वेता और जया बच्चन में जमकर घमासान हुआ करता था और अपनी माँ की श्वेता बच्चन को एक आदत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी। उस पर उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता था जिसको लेकर घर में लड़ाइयाँ होती थी। तो चलिए, इस खास रिपोर्ट पे E24 आपके लिए लेकर आया है जया बच्चन और श्वेता बच्चन के बीच की कैट फाइट की असली वजह, जानिए और देखिए। बच्चन खानदान की लाडली प्रिंसेस नव्या नवेली नंदा का पॉडकास्ट चैनल व्हाट द हेल नव्या की वजह से पूरी बच्चन फैमिली एक बार फिर से मीडिया हेडलाइंस में आ गई है और दुनिया के सामने खुल गई है जया और श्वेता के बीच होने वाली कैट फाइट की पोल। जी हाँ, इस बात पर आपको यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन सच यही है कि एक वक्त ऐसा भी था जब जया और श्वेता के बीच भी घर में घमासान हुआ करता था, जिसका खुलासा हुआ है श्वेता की बेटी नव्या नवेली के हालिया पॉडकास्ट एपिसोड में। दरअसल हाल ही में नव्या ने अपने पॉडकास्ट चैनल पर जया और श्वेता के साथ बातचीत करते हुए लेटेस्ट एपिसोड शेयर किया है, जिसमें माँ बेटी और नाती अपने स्किन केयर रूटीन को लेकर काफी सारी बातें करती हुई नजर आ रही हैं और ढेर सारी मस्ती मजाक भी करती दिख रही हैं। इस वीडियो में श्वेता अपने बचपन की कई बातों को याद करती है। श्वेता ने खुलासा किया कि उन्हें जया बच्चन की सबसे गंदी आदत क्या लगती थी। उन्होंने कहा, मम्मी आपकी सबसे खराब चीज वो थी जब आप अपने बालों में प्याज का रस लगाती थी, मुझे बाहर वाले दरवाजे तक उसकी बदबू आती थी। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे बताया, माँ मेरे बालों को बहुत ज्यादा टाइट बांधती थी। सुबह मेरे स्कूल जाने के टाइम पर वो मुझे लेकर बैठ जाती थी और अगर मैं जरा भी हिलती तो वो मेरी कंघी से पिटाई कर देती थी, जिस बात पर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। इसके अलावा इस वीडियो में श्वेता बच्चन ने भाई अभिषेक की एक शरारत का भी खुलासा किया। उन्होंने बताया कि हमारा एक बार झगड़ा हुआ था, रात को मम्मी पापा बाहर थे और हमारे बीच किसी तरह की बहस हुई। मुझे नहीं पता कि उसे कैची की एक जोड़ी कहां से मिल गई, उसने मेरे बाल पकड़ लिए और बस मुझे उसी के साथ स्कूल जाना पड़ा। तो वहीं इस पॉडकास्ट में जया बच्चन ने ये भी बताया कि अमिताभ बच्चन को भी घर की औरतों के छोटे बाल या फिर बाल कटवाना पसंद नहीं आता था। उन्होंने कहा, मैं जब भी श्वेता के बाल शॉर्ट करवाती थी तो वो बोलते थे कि ऐसा क्यों करवा दिया। उन्हें हमेशा से ही लेडीज के लंबे और घने बाल पसंद है। बता दें कि नव्या नंदा ने व्हाट द हेल के साथ यूट्यूब पर अपनी पॉडकास्ट जर्नी शुरू की थी। अपने पॉडकास्ट में वो अपनी नानी जया बच्चन और माँ श्वेता के साथ समाज के महिलाओं के सामने आने वाले मुद्दों पर बात करती है, साथ ही बच्चन फैमिली से जुड़े अनसुने किस्सों का भी खुलासा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट E24।